एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन जेल में इसी साल 31 जनवरी को बंद हुए थे। ईडी ने जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जबकि वो मुख्यमंत्री थे तब, उन्हें गिरफ्तार किया था और अब जमानत दे दी है। तो हेमंत सोरेन को राहत मिल गई है, हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और कुल 6 महीने बाद हेमंत सोरेन को ये जमानत मिली है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने हो गए, छठा महीना ये चल रहा है, उन्हें जमानत मिली है। झारखंड में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जमीन घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। काफी हंगामा हुआ था, क्या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। अब हेमंत सोरेन को यह जमानत मिली है, हाईकोर्ट ने राहत दी है। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था और कई बार ईडी की टीम गई थी और इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अंततः जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से, क्योंकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब उन पर यह केस था और तब ईडी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इसी आवास से 31 जनवरी को हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर आरोप था कि बड़गई अंचल में 8.86 एकर्स का प्लॉट सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है और उसको लेकर जो है ईडी ने एक ईसीआईआर दायर किया और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होती है कई सम्मंस के बाद। और तब से वो लगातार यहाँ रांची के बिरसा मुंडा हॉटवार जेल में बंद हैं। रेगुलर बेल पिटीशन जो है उस पर उनकी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो है अब जाकर आज उनको नियमित बेल जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के बेंच ने दिया है। उनके वकील ने बताया कि कोर्ट का ये मानना था कि फिट केस टू ग्रांट बेल ये था और उनके खिलाफ कोई ग्राउंड नहीं बनता था कि उनको जेल में रखा जाए। ऑलरेडी 6 महीना वो जेल में सर्व कर चुके हैं। अब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर जो है पीएमएलए कोर्ट जाएगा, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी या जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। पीएमएलए के धाराएं उन पर लगाई गई थी, 2 बेल बॉन्ड भरना होगा 50-50 हजार का और उसके बाद पीएमएलए कोर्ट से ऑर्डर जो है जेल सुपरिटेंडेंट के बाद पास जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम आज या फिर शनिवार को हेमंत सोरेन की रिहाई हो सकती है, वो जेल के बाहर आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन के जो समर्थक है उनके लिए भी, जेएमएम के लिए भी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जेल के अंदर थे और जिस तरह से, जिस ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिला था, हेमंत सोरेन ने भी बेल की मांग की थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। और इसको लेकर जो है यहाँ पे वो लगातार जो है जेल में थे, कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो सिंपैथी होती है वो भी मिला और यहाँ पे लोकसभा में 14 में से जो 5 ट्राइबल्स के लिए रिजर्व था, एसटी सीट थी, उस पर तमाम सीटों पे इंडिया गठबंधन के घटक ने